हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर इंजीनियर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो ये ब्लूटूथ ईयरफोन है उसको कैसे सही करना है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, ये वर्क बिल्कुल सही कर रहा है लेकिन एक साइड का जो है ईयरफोन वो ख़राब हो चुका है। तो इसको कैसे सही करना है वो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, चिपकाया हुआ है, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसको आसानी से। इसमें क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर तो सर्किट है उसको तो कुछ दिक्कत नहीं आती है, लेकिन क्या है अपने को यूज़ करते वक्त इसका जो एक साइड का वायर है वो खींचने का ऐसा दिक्कत आ सकता है। तो उसको कैसे सही करना है वो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों जैसे ही इसका सर्किट ओपन करते हैं तो अपने को यहाँ पे ये वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन दिखाई देता है। ये तो चिपकाया ही हुआ रहता है सिंपल। अभी क्या करेंगे हम, इसका जो भी सर्किट है उसको भी पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अपना ये सर्किट दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें कहीं पे यहाँ से तो कनेक्शन निकला हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो स्पीकर है वो खोल के देख लेंगे। इसका जो राइट साइड वाला स्पीकर है, ये वाला स्पीकर, इसमें अपने को आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं कहीं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से इसको खोल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इसको खोल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये चिपकाया ही रहता है। ये देखिए दोस्तों, इसका जो बैटरी है वो इसमें फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहीं यहीं पे दिक्कत तो नहीं है ना। तो दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से धक्का मार के थोड़ा बाहर निकाल देंगे तो अपने को भी आसान रहेगा चेक करने में। बाहर निकाल के हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर जो चिपकाया हुआ है टेप, ये सब टेप चिपकाया हुआ है वो सब देखेंगे। अगर इसमें कहीं पर भी वायर निकल गया है तो दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले बैटरी का तो मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी में दिक्कत रहता तो अपने को यहाँ पे पावर ही नहीं मिलता। मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है वो भी नहीं हो सकता, ये स्टार्ट हो रहा है तो वो तो दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड वाला अपना स्पीकर ख़राब है, ये वाला तो मैंने इधर से भी देखा था पहले, तो यहाँ पे तो मेरे को सही लगे। ये टेप निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कनेक्शन टूटा, ये वाला देखिए आप देख सकते हैं ये वाला कनेक्शन वीडियो में, ये वाला तो सही, ये देखिए ये वाला सही है। लेकिन इसके पीछे जो ये ब्लैक वाला, मतलब ये ग्राउंड जो स्पीकर का ग्राउंड पॉइंट है वो निकल चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से निकाल के
इसके साथ हम इसको सिंपली सोल्डर कर देंगे। जैसे ही सोल्डर करेंगे मेरे ख्याल से अपना प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर ये खोलते वक्त निकल गया है तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको सोल्ड करके हम देख लेते हैं पहले कि यही दिक्कत था कि कोई और भी प्रॉब्लम था इसमें। मैं इसको सोल्ड करके देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको किस तरह से सोल्ड किया है। दोनों वायर को आपस में मिला के सिंपली सोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। पैक में बाद में करूँगा क्योंकि अगर कोई और गलती होगी तो फिर से ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इसको चेक करके देख लिया, ये बिल्कुल भी सही वर्क कर रहा है। इसमें अभी हम इसको पैक कर देते हैं। ये दोनों प्रॉप्स, ये दो दोनों पॉइंट्स है वो आपस में मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसमें ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बीच में से फंसा के डाल दीजिए इसको। कोई एक पॉइंट खुला रह गया तो चलेगा, लेकिन दोनों पॉइंट्स मिलना नहीं चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोनों पॉइंट्स मिल गया तो फिर से अपना वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि अपना जो ईयरफोन है वो बंद हो जाएगा। इसको हम सिंपली यहाँ पे चिपका देते हैं। अभी हमने इसको जैसे ही खोला था वैसे ही बंद करना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, ब्लूटूथ ईयरफोन को कैसे सही करना है। दोस्तों आप बता सकते हो मेरे को कमेंट में ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आखिरी तक मेरा इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने इसको निकाल दिया था तो ये कहाँ पे था, यहीं पे फिर से लगा देते हैं।